भारतीय जनता पार्टी को एक आत्मचिंतन करना चाहिए। मैंने कल इस बात को कहा था, 1989 में जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, चुनाव हुआ था, तो उनके पास, वो अकेले ऐसे प्रधानमंत्री जिनके पास 400 सांसद थे, जब चुनाव 89 का हुआ तो वो लगभग 200 पे हम लोग आ गए थे। उस समय राष्ट्रपति ने राजीव जी को कहा कि आप सबसे बड़ा दल हैं, आप सरकार बनाइए। तब राजीव गांधी जी ने कहा था कि मैं सबसे बड़ा दल है हमारी पार्टी कांग्रेस, लेकिन ये मैंडेट मेरे खिलाफ है क्योंकि मेरा संख्याबल कम हुआ है। उन्होंने सरकार बनाने से मना किया। उसके बाद अगले दल को राष्ट्रपति ने मौका दिया सरकार बनाने का। वो नैतिकता का परिचय दिया था क्योंकि सरकार में होने के बावजूद, सबसे बड़ा दल होने के बावजूद, उनको लगा कि जनता ने मेरे एमपीस कम करे हैं, मैं सरकार बनाने के लिए अभी तैयार नहीं हूं। ये उस समय की बात थी, आज परिस्थिति बदल चुकी है। अंत में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं, लेकिन इस चुनाव का जो संदेश है वो निश्चित रूप से भाजपा और एनडीए के खिलाफ रहा है। जेडीयू ने आज ही भी उठाया है, कांग्रेस ने स्पष्ट कहा था कि हम सरकार बनाएंगे तो अग्निवीर को सिरे से समाप्त करेंगे, पुरानी भर्ती को चालू करेंगे। और मुझे खुशी है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इन मुद्दों को देश का मुद्दा मानते हैं। ये कांग्रेस भाजपा पक्ष विपक्ष का मुद्दा नहीं है, देश की सेना, हमारी सुरक्षा, हमारी समृद्धि, ये राष्ट्रीय इशू है। और अग्निवीर को लगाकर मुझे लगता है बहुत गलत किया गया पिछली सरकार के माध्यम से। और कोई दल, कोई नेता, कोई व्यक्ति अगर अग्निवीर को समाप्त करने की बात करता है तो मैं तो उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड ही था कि हम लोग अग्निवीर को समाप्त करें। क्योंकि नौजवानों को, जिनको देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर सेना में जाने का शौक है, उनको सिर्फ 4 साल आप नौकरी करा के रिटायर कर देंगे और पूरी सारी भर्ती बंद कर देंगे, इसको हमने बहुत गलत माना था उस समय भी। और कांग्रेस का स्पष्ट स्टैंड था कि हम अग्निवीर को सरकार बनने के बाद समाप्त करेंगे। तो अगर कोई दल और कोई नेता इसके अग्निवीर के विरोध में बात करता है तो उसका मैं तो स्वागत करता हूं। अच्छा, पूरी राजस्थान में स्टॉक मार्केट को लेकर एक बड़ा स्कैम बताया, स्टॉक मार्केट को लेकर इसकी पूरी जांच, आज राहुल जी ने जो बोला है उसकी तथ्यात्मक जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा इसमें कहीं ना कहीं घपला हमें लगता है कि मार्केट मैनिपुलेशंस किए गए हैं। और जो आंकड़े दिखाए गए एग्जिट पोल के माध्यम से, किसको मालूम था किसको नहीं मालूम था, मीडिया के माध्यम से प्रचलित हुआ, लगातार मार्केट बढ़े, फिर एकदम से क्रैश हुआ, फिर बढ़े, तो कहीं ना कहीं से मार्केट मैनिपुलेशंस की गुंजाइश मुझे दिखती है। इसकी जांच होनी चाहिए, जैसा राहुल जी ने कहा, चाहे वो जेपीसी हो या कोई और।